Assalamu alaikum, I am Asad Akbar and you are watching Study Page. Welcome to the new practical lecture. In this lecture, I am going to demonstrate about ternary operator in C, which is also called conditional operator. So first of all, let me create a basic C program, hash include stdio.h and main return 0. Save this program as lecture 6.5. ओके, टर्नरी ऑपरेटर के बारे में हमने पढ़ा था कि इफ एल्स की तरह ये काम करता है, लेकिन ये एक वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। तो उसका सिंटैक्स हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास यहाँ पर कोई कंडीशन होगी, अगर कंडीशन ट्रू हो तो क्वेश्चन मार्क, अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये रिटर्न होगी, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो सेकेंड जो वैल्यू है ये रिटर्न होगी, यहाँ से मैं कॉलो। दिस इज दी सिंटैक्स फॉर कंडीशनल ऑपरेटर विच इज आल्सो कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। इस तरह करते हैं, दो वेरिएबल लेते हैं इंटीजर टाइप के, फॉर एग्जांपल इंटीजर नम वन नम टू और ग्रेटर, हमारे पास नम वन नम टू और ग्रेटर तीन हमने इंटीजर टाइप वेरिएबल ली। ओके, अभी हम इस तरह करते हैं कि यूजर से दो वैल्यूज लेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि कौन सा वैल्यू ग्रेटर है, वो ग्रेटर वेरिएबल में असाइन करेंगे, वो प्रिंट करेंगे बस जस्ट। तो इससे हम ये डिमॉन्स्ट्रेट कर सकेंगे कि हमने इस टर्नरी ऑपरेटर को किस तरह यूज़ करना है, ठीक। सो प्रिंट एफ एंटर टू वैल्यूज, ठीक, तो यूज़र जो है वो दो वैल्यूज एंटर करेगा, स्कैन एफ स्कैन एफ, ठीक। तो यहाँ परसेंट डी दो वैल्यूज हम एक स्टेटमेंट के अंदर यूजर से ले रही है, सो नम वन सॉरी इम्परसेंट नम वन और इम्परसेंट नम टू। ओके, नाउ यहाँ पर हम ग्रेटर में सेव करना चाहते हैं जो वैल्यू ग्रेटर, हमने कहा था कि कंडीशनल ऑपरेटर वैल्यू को रिटर्न करता है या फर्स्ट वैल्यू को या सेकंड वैल्यू को बेस्ड ऑन द कंडीशन। तो यहाँ हम ये कंडीशन लगाएंगे कि नम वन इज ग्रेटर देन नम टू, अगर नम वन नम टू से ग्रेटर है तो आपने नम वन रिटर्न करना है, अगर ग्रेटर नहीं है तो आपने नम टू रिटर्न करना है। दिस इज द टर्नरी ऑपरेटर, दिस इज द कंडीशन क्वेश्चन मार्क हॉट फर्स्ट हॉट सेकंड, ठीक है। और फिर हमने प्रिंट करना है, ठीक है, प्रिंट एफ हमने क्या एंटर करना है, ग्रेटर वैल्यू फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल टू परसेंट डी, चूँकि इंटीजर है तो हम परसेंट डी यूज करेंगे और यहाँ पर ग्रेटर वेरिएबल, ठीक। तो प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और इसको रन करके देख लेते हैं कि आउटपुट हमें क्या मिलता है। ओके, इंटर टू वेरियज फॉर एग्जाम्पल 15 और 60, ग्रेटर वैल्यू 60। अभी दोबारा इसको रन करते हैं, फर्स्ट हमने स्मॉल वैल्यू एंटर की थी, अभी फर्स्ट जो है कैपिटल वैल्यू एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल 40 और 30, तो ग्रेटर वैल्यू इज 40। सो एज एक्सपेक्टेड काम कर रहा है, एंड दिस इज हाउ वी यूज टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर। इफ यू फेस सम प्रॉब्लम प्लीज आस्क इन द कमेंट। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।